देख रहे हैं खटपट न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान नूतन चौक में नगर निगम बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत 6 करोड़ की लागत से तैयार किए गए 3 मंजिला सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सेंट्रल लाइब्रेरी के एग्जीबिशन हॉल, फूड कोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी और एग्जीबिशन सेंटर का शुभारंभ और अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम द्वारा लगाई गई शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन, गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। गौरतलब है कि ये राज्य की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें लोगों को ऑनलाइन पुस्तकों की सुविधा मिलेगी। सेंट्रल लाइब्रेरी में युवाओं को अपने स्टार्टअप को एक आयाम देने में भी मदद मिलेगी। सर्व सुविधायुक्त डिजिटल लाइब्रेरी में भूतल पर एग्जीबिशन हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा होगी। बिलासपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रिंट और डिजिटल कलेक्शन की पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जो बिलासपुर के छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे। छात्र डिजिटल लाइब्रेरी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर सकेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी से वे पोर्टल पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रीमियर सामग्री की उपलब्धता होगी। इसमें आसी में डाउनलोड की भी सुविधा रहेगी। सभी प्रकार के मोबाइल फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप में पढ़ने योग्य और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा है। बिलासपुर शहर के स्कूल और कॉलेज भी लाइब्रेरी की सदस्यता लेकर कैंपस के भीतर अपने स्वयं की क्रियाशीलता और रचनाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं और मुद्रित पुस्तकें, स्मार्ट बुक्स, प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। एक्टिव ई बुक्स, लैंग्वेज लर्निंग ई बुक्स, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें, प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेताओं की पुस्तकें, मनोरंजन, खेल, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कला और विज्ञान, इतिहास, कानून और राजनीति आदि से संबंधित पुस्तकें लाइब्रेरी में मौजूद होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।